नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा सदस्यता रद्द, चुनाव आयोग ने भेजी राज्यपाल को रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेज दिया है। आयोग ने सोरेन की ओर से एक खान अपने नाम करवाने के मामले में सिफारिश की। सीएम हेमंत सोरेन का करीबी प्रेम प्रकाश गिरफ्तार। कल छापेमारी में मिली थी 2 AK-47 राइफल। ईडी ने कल रात रांची से प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया। कल रांची में प्रेम प्रकाश से जुड़े ठिकाने पर छापेमारी में 2 AK-47 राइफल बरामद की गई थी। कर्नाटक में बीजेपी नेता ईश्वरप्पा को मिली धमकी भरी चिट्ठी। जिला आपको बता दें, लिखा जुबान काट देंगे। नेताओं को धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। कर्नाटक में बीजेपी नेता KS ईश्वरप्पा को धमकी भरी चिट्ठी मिली है, जिसमें उन्हें जुबान काट देने की धमकी मिली। अखिलेश को चौतरफा घेरेंगे चाचा शिवपाल यादव। आदित्य यादव के इस ऐलान से बड़ी सरगर्मी। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल यादव की एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। ड्रग माफियाओं के खिलाफ और सख्त हुए सीएम योगी। अब डीएम एसडीएम और सीओ भी करेंगे छापेमारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ड्रग से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश अवस्थी ने दी है। अमेठी के बाद सोनिया गांधी की गढ़ पर बीजेपी की नजर। रायबरेली में भी रणनीति के तहत सेंधमारी शुरू। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को घेरने के लिए मिशन रायबरेली पर काम कर रही है। नोएडा की गालीबास महिला को मिली जमानत। गार्ड को गालियां देते वायरल हुआ था वीडियो। नोएडा स्थित सेक्टर 126 के JP विस्टाउन में गार्ड को गाली देने वाली भव्या रॉय को जमानत मिल गई है। बीते दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट। 15 दिन बाद आया कॉमेडियन को होश। डॉक्टर रख रहे हैं निगरानी। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अपडेट है। उनके निजी सचिव ने जानकारी दी है कि आज उन्हें होश आया है। फिलहाल डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के निजता की चुनौती वाली याचिका खारिज। फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के क्षेत्राधिकारी को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज कर दिया। दिल्ली को जल्द मिलेगी 11 नए अस्पतालों की सौगात। अस्पताल निर्माण को लेकर डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। आपको बता दें, नए अस्पताल बनने से शहर के स्वास्थ्य ढांचे में 10,000 से अधिक बिस्तर जुड़ जाएंगे। और स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अगले साल के अंत तक इन अस्पतालों का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर आप पर बरसे कपिल मिश्रा। सिसोदिया को लेकर कही बड़ी बात। आपको बता दें, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, मनीष सिसोदिया ने शराब की चोरी की और उसी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप सरकार ही तमाशा कर रही है। जमानत दिलाने के नाम पर महिला कांस्टेबल ने मांगी 5,000 की रिश्वत। लोकायुक्त ने किया रगे हाथों गिरफ्तार। इंदौर के परदेशी पूरा थाना परिसर में जमानत दिलाने के नाम पर महिला कांस्टेबल अनीता सिंह ने 5,000 की रिश्वत मांगी थी। महिला कांस्टेबल को घूस लेते लोकायुक्त टीम ने पकड़ लिया। दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार। खरगोन में मिला तेंदुए का शव। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारी की जा रही है, दूसरी तरफ खरगोन में तेंदुए का शव मिला है। सेल्फी लेने के दौरान बांध से नीचे गिरा युवक, 24 घंटे बाद भी लापता। खोजने में जुटी पुलिस। डैम पर मौजूद सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने बताया, डैम में गिरे युवक अमित कुमार को सेल्फी लेने के लिए मना किया था, लेकिन वह नहीं माना और इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। दो राज्यों के बीच मतभेद को भुला ग्रामीणों ने लगाए 1,00,000 पौधे। खेती के लिए चल रहा था विवाद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्रामीणों ने पर्यावरण को बचाने के लिए करीब 1,00,000 पौधे लगाकर मिसाल पेश की। चीन की हर चाल फेल। ताइवान की बंकर वक्त रणनीति के आगे बेबस ड्रैगन। ताइवान की बंकर वक्त रणनीति के आगे चीन बेबस है। पिछले 70 सालों में चाइना हथियारों के बल पर आज तक ताइवान को हथिया नहीं सका। ताइवान के पास बचाव के इंतजाम और पलटवार के हथियार हैं। मालिक की लापरवाही का अंजाम, भूखे कुत्ते ने चबा डाली अपनी ही पूंछ। इंग्लैंड में एक कुत्ता भूख से इतना बेहाल हो गया कि अपनी ही पूंछ चबाने को मजबूर हो गया। कुत्ते के मालिक की लापरवाही लोगों को सकते में डाल रही है।
इरफान पठान और उनके परिवार के साथ एयरपोर्ट पर हुआ बुरा बर्ताव ट्विटर के जरिए दर्ज करवाई शिकायत। इरफान पठान ने ट्विटर के जरिए बताया कि एयरपोर्ट पर उन्हें और उनके परिवार को बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ा। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।